दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम मशीन है, एटीएम कार्ड है, जो कुछ भी है उसके मदद से आप कुल मिला के किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड है और आप आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम मशीन से पैसा निकालना चाहते हैं तो कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन थोड़ा डरते हैं और डरना भी चाहिए, क्योंकि एटीएम वाली बात है, इधर उधर हुआ तो ट्रांजेक्शन गलत हो जाएगा, तो डरना भी चाहिए। तो हम सावधानियों के साथ पूरा आपको बताएंगे कि आप कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे यहाँ पर, जो आपका आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम मशीन है वहाँ पर ट्रांजेक्शन यानी पैसा कैसे डाल हम कैसे निकालते हैं सावधानी के साथ, कंप्लीट प्रोसेस। आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, जीरो जानते हैं, तब भी आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से अपर लेवल तक सिखाने का प्रयास करूंगा। एटीएम कार्ड कैसे लगाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, सारा कुछ बताऊंगा। तो फिर बिना किसी देर इस वीडियो में बढ़ेंगे आगे। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और फिर सीख लेते हैं ना दोस्तों कैसे कैसे क्या करना है। दोस्तों मैं आ चुका हूँ आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम मशीन पर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। आइए पैसा निकालने की पूरी प्रक्रिया आपको बताते हैं, कैसे निकालना होता है, क्या क्या सावधानियाँ होती हैं, सब कुछ बताएंगे। तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। कार्ड कुछ इस तरीके से पकड़ना है, जैसा कि देख रहे हैं मैंने कार्ड पकड़ा है, इसी तरह से कार्ड को आपको ही पकड़ना है। चिप आगे की तरफ होना चाहिए जो चिप है, और ऐसे कार्ड को पकड़ के और फिर जहाँ पर लाइट जल रही है, बत्ती जल रही है ना कोने पर, वहीं पर कार्ड को लगा देना होगा। देखिए मैं लगा रहा हूँ, ऐसी तरह से कार्ड को लगा देना है। जैसे आप कार्ड को लगाएंगे तो कहेगा प्लीज़ वेट, थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए, और आगे यहाँ पर आपके सामने पेज आएगा, लिखिएगा प्लीज़ इंटर योर 4-डिजिट पिन। तो 4 अंकों का आपको जो आपका एटीएम कार्ड का पिन है, जो गुप्त पिन है, उस 4 अंकों के पिन का आपको यहाँ पे भर दीजिए। जैसे 4 अंकों के पिन का भरेंगे ना आप, तो आपके सामने नया पेज आएगा और यहाँ पर लिखा आएगा कैश विड्रॉल। दाहिने साइड में देखिए लिखा है कैश विड्रॉल, तो कैश विड्रॉल यदि टच वाला एटीएम है तो कैश विड्रॉल पे टच कर दीजिए, नहीं तो उसके सामने वाली बटन को दबा दीजिए। तो जैसे आप टच करेंगे या उसके सामने वाली बटन को दबाएंगे तो आपके सामने नया पेज देखने को मिलेगा। तो हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और देखिए यहाँ पर नया वाला पेज अभी हमारे सामने आएगा। पूछ रहा है जो हमारा अकाउंट है वह करंट है कि सेविंग है, तो 90% लोगों का खाता सेविंग ही होता है, तो आपको सेविंग वाले पर ही क्लिक करना है। तो मैं सेविंग वाले पर क्लिक कर दिया, और या तो उसके सामने वाली बटन को दबा दीजिए टच वाला एटीएम नहीं है तो जैसे सेविंग पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है प्लीज़ इंटर द अमाउंट बिलो। तो आपको अपना अमाउंट भरना, कितना पैसा आप निकालना चाह रहे हैं, तो मुझे 500 रुपये निकालना है, 500 भरा और जो यस लिखा रहा है इसी पर यस वाली बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे यस वाली बटन पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा थोड़ा सा इंतज़ार करिए, और देखिए नीचे डब्बा होता है, बॉक्स होता है, बॉक्स खुल जाता है और आपको पैसा उसी में से निकाल लेना होता है। पैसा 15 सेकेंड के अंदर आपको ले लेना होता है, नहीं तो डब्बा बंद हो जाता है, वापस चला जाता है। तो 15 सेकंड के अंदर थोड़ा जल्दी पैसा ले लीजिएगा। पैसा लेने के बाद अब ऑटोमेटिक जो ड्रा है वो बंद हो जाता है। जब ड्रा बंद हो जाएगा तो आपको करना क्या है, अपना एटीएम कार्ड ले लीजिए। एटीएम कार्ड लेने के बाद आपको क्या करना होगा, यदि एटीएम में पर्ची होगी तो पर्ची मिलेगी, नहीं होगी पर्ची तो पर्ची नहीं मिलेगी। आपको लाल वाली बटन जो कैंसिल या क्लियर की है, उस लाल वाली बटन को दबा के अपना एटीएम कार्ड लेके, और जब एटीएम में बत्ती जलने लगे, देख सकते हैं जहाँ मैं एरो दिखा रहा हूँ बत्ती जल रही, जब बत्ती जलने लगे तो आप घर जा सकते हैं अब, ठीक ना। अब आपका कार्य हो गया। तो जानकारी अच्छी लगी होगी, मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप पैसा निकालना सीख गए होंगे। बाय बाय।